नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ICICI Lombard का एलिवेट प्लान। दोस्तों ये प्लान कंपनी ने अभी नया लॉन्च किया है और कंपनी ने ऐसी हाइप बनाई है कि इस प्लान के अंदर कंपनी बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाली है। अनलिमिटेड आपको सम अश्योर्ड देने वाली है, अनलिमिटेड आपको रिश्योरेंस देने वाली है, लाइफ में एक बार आप अनलिमिटेड क्लेम चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी इसमें प्रमोट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने इस प्लान में दी हुई हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे इसी प्लान के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का कैशलेस नेटवर्क है लगभग 9,500 से ज़्यादा। तो 9,500 से ज़्यादा हॉस्पिटल का टाइप है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे आपको लगभग हर जगह ये मिल जाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो ये लगभग 95% से लेकर 98% के आसपास है, वेरी करता है अलग अलग ईयर्स में। कैशलेस अप्रूवल टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय कंपनी लेती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं तो वहाँ से आपके 2 घंटे लगने वाले हैं। क्लेम सेटलमेंट टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको इनहाउस क्लेम मिलता है। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो ये जो प्रीमियम आप पे करते हैं इस कंपनी में, चाहे अपने लिए पे कर रहे हैं या फिर अपने मदर फादर के लिए पे कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए पे कर रहे हैं, तो अगर आपकी एज या पेरेंट्स की एज 60 साल है, 60 साल से कम है, तो फिर 25,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा आपके लिए, 25 का मिलेगा मदर फादर के लिए। और अगर आपके मदर फादर की एज 60 साल से ऊपर है तो फिर बेनिफिट मिलेगा आपको 50,000 का। अगर आपकी भी 60 साल से ऊपर है तो आपको भी 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर 60 से कम है तो 25,000, अगर 60 से ऊपर है तो 50,000। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो 15 दिन का है। अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर आपको लगता है कि आपको गलत चीज़ें बताकर पॉलिसी बेची गई है, तो फिर आप 15 दिन के अंदर इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और आपका 100% पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 दिन का आपको यहाँ ग्रेस पीरियड मिलता है। पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे बेनिफिट आपको कंटिन्यू वहाँ पर मिल जाते हैं। पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करें तो कैंसिलेशन अवेलेबल है। आप पूरे साल में जब चाहे पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी उस हिसाब से जितना आपकी पॉलिसी चल गई है प्रो डेटा बेसिस पे आपको पॉलिसी कैंसिल करके देगी और वहाँ पर आपका प्रीमियम आपसे वहाँ पर कट कर लेगी। पूरा प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा, पूरा प्रीमियम आपको मिलेगा सिर्फ फ्री लुक करने पर। अगर 15 दिन में पॉलिसी कैंसिल करेंगे तो आपका पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद करेंगे तो फिर उसमें से कुछ पैसा कट कर आएगा। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पोर्टेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर की बात करते हैं तो आपको 3 टेन्योर यहाँ पर मिलते हैं। आप 1 साल के लिए, आप 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए एक साथ पॉलिसी वहाँ पर ले सकते हैं। और इस टेन्योर में आपको जब भी आप 2 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट, और जब भी आप 3 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको टोटल प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट की अगर बात करें, अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है और एक्सपायर होने से 1 महीने पहले आप उस पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो कंपनी वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है और 2.5% वहाँ पर आपको डिस्काउंट देती है रिन्यूअल पे रिन्यू करने के लिए। अगर आप ऑन टाइम रिन्यू करेंगे जब आपकी पॉलिसी खत्म होने वाली है तब आपको ये रिन्यूअल का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ही कर लेंगे आप इसे 45 दिन पहले, 30 दिन पहले, तो फिर यहाँ पर आपको 2.5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन की। तो दोस्तों कंपनी ने जोन में बांटा हुआ है, जोन ए बी सी डी, जिस भी जोन में आप आते हैं उस जोन के हिसाब से आपसे प्रीमियम लेती है। जोन ए में प्रीमियम हाई रहता है और जोन डी में प्रीमियम सबसे कम रहेगा। तो जिस भी जोन में आप आते हैं उस जोन के हिसाब से कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी। रोल ओवर सम अश्योर्ड की बात करें, जहाँ पे आप पॉलिसी को कोट करते हैं तो मिनिमम सम अश्योर्ड आपको 10 लाख मिलेगा। अगर आप पॉलिसी को फ्रेश ले रहे हैं तो आप 5 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 10 लाख से आप पोर्ट कर सकते हैं, उससे नीचे आप पोर्ट नहीं कर पाएंगे। फैमिली फ्लोटर लिमिट की बात करें तो दोस्तों जो फैमिली ये लोग मानते हैं वो मानते हैं 2+3 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मेंबर्स को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो 2 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रन, 5 लोगों को ही मैक्सिमम आप पॉलिसी में ऐड कर पाएंगे। और अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो 91 डेज से लेकर 30 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड को आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 30 साल से क्रॉस होकर 31वें साल में जाएगा आपकी पॉलिसी से वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और उसको नई पॉलिसी कंपनी वहाँ पर बनाकर दे देगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें एंट्री एज की। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो एंट्री एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 125 साल तक तो वैसे भी कोई आज की डेट में जीने वाला नहीं है, तो मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। सम अश्योर्ड की बात करें
तो 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड कंपनी आपको ऑफर कर रही है, उसके बाद आप 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ और अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सम एश्योर्ड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी वहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। इन पेशेंट की बात करते हैं तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इन पेशेंट केयर में आपको अप टू सम एश्योर्ड कंपनी जितना भी आपका सम एश्योर्ड है कंपनी आपका पूरा पे करेगी। डे केयर की बात करें तो वहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कंपनी वहाँ पर आपको पे करने वाली है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें जिसमें आपका रोबोटिक सर्जरी आती है वहाँ भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करने वाली है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, जब भी आप किसी बीमारी के लिए एडमिट होते हैं तो उससे 90 दिन पहले के जो भी खर्चे होंगे वो सारे कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करने वाली है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, डिस्चार्ज होने के बाद जो आपके खर्चे होंगे 180 दिन तक के खर्चे कंपनी कवर करेगी और अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर कवर करने वाली है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों आयुष ट्रीटमेंट भी यहाँ पर कवर है जिसमें आपका यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट आते हैं, वो भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर कवर करके देती है। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितना भी खर्चा होगा कंपनी आपको 100% यहाँ पर पे करने वाली है। डोनर एक्सपेंस की बात करें तो कोई डोनर अगर आपको कोई अंगदान करता है, कोई चीज़ डोनेट करता है तो फिर वहाँ पर कंपनी आपका और डोनर का दोनों का खर्चा यहाँ पर कंपनी यहाँ पर उठाने वाली है और अप टू सम एश्योर्ड आपको वहाँ पर पे करेगी। डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन, अगर डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन होता है आप हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, आपका इलाज घर पर चलेगा तो फिर वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करने वाली है। दोस्तों बात करते हैं बोनस की, तो कंपनी आपको यहाँ गारंटीड बोनस देती है वो भी 20% का। 20% ऑफ सम एश्योर्ड आपको गारंटीड बोनस मिलता है हर साल और अगर आप क्लेम लेते हैं तो वो कम भी नहीं होता है, तो मतलब गारंटीड आपको मिलने वाला है, जितने एक बार बढ़ गया वो आपका फिर कम नहीं होगा। रीसेट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों अनलिमिटेड रीसेट बेनिफिट आपको मिलता है, जब जितना भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं वो सम एश्योर्ड आपका अगर खत्म हो जाता है तो दोबारा से सम एश्योर्ड आपका रीसेट हो जाता है और पूरा का पूरा सम एश्योर्ड आपको वहाँ पर दोबारा मिल जाता है, लेकिन एक बार में आप मैक्सिमम उतना ही सम एश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं जितना आपने सम एश्योर्ड बाय किया हुआ है। डिस्चार्ज होने के बाद आप दोबारा अगर एडमिट होते हैं तो दोबारा से आप पूरा का पूरा सम एश्योर्ड यूज़ कर पाएंगे, लेकिन एक बार में मैक्सिमम सम एश्योर्ड यूज़ कर पाएंगे जितना आपने कवर लिया हुआ है। अगर आपने मान लीजिए 10 लाख का कवर लिया हुआ है तो मैक्सिमम एक क्लेम में आप 10 लाख ही यूज़ कर पाएंगे। डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा अगर एडमिट होते हैं तो दोबारा से आपको कंपनी रीसेट करके कवर दे देगी, तो एक बार में मैक्सिमम क्लेम 10 लाख का ही होने वाला है। हाँ, अगर कोई 20% का बोनस वहाँ पर ऐड हो गया है या फिर कोई और बोनस ऐड हो गया है तो उसको आप एक बार में यूज़ कर पाएंगे पहले क्लेम में, लेकिन दूसरे क्लेम से जब भी आपका पहला जो सम एश्योर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से आपको जो रीसेट वाला सम एश्योर्ड होगा वो तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब आप दोबारा किसी बीमारी के लिए एडमिट होते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी की बात करें तो वहाँ भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर करके दे रही है, जो भी आपका खर्चा होगा कंपनी आप पूरा कवर करके देगी। इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सरोगेट मदर, तो सरोगेट मदर के लिए भी कंपनी यहाँ पर आपको अप टू 5 लाख यहाँ पर पे करती है, लेकिन ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के लिए है। अगर डिलीवरी के समय या वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन अगर सरोगेट मदर को होती है तो वहाँ पर उस कॉम्प्लिकेशन के लिए कंपनी आपको 5 लाख रुपये का कवर देती है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर उकाइड डोनर, यदि कोई महिला कोई उकाइड डोनर अगर किसी अन्य महिला को सरोगेसी में मदद करती है और कोई अंडा दान करती है तो उस कंडीशन में भी कंपनी उसको कवर करेगी और कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी अप टू 5 लाख वहाँ पर पे करेगी। अब बात करते हैं वेटिंग की, तो अगर इनिशियल वेटिंग की बात करते हैं तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन कंपनी कुछ भी कवर नहीं करती सिवाय एक्सीडेंट को छोड़कर, अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम होती तो कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज कंपनी कवर नहीं करेगी। 30 दिन के बाद आपके कवर चालू हो जाएंगे और वहाँ पर आपकी अलग अलग वेटिंग्स लगना चालू हो जाएंगी। जैसे पीडी की बात करें, अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई बीमारी है, कोई पहले से बीमारी आपको चल रही है और कंपनी को आप वो बीमारी बताते हैं, कोई उस बीमारी के बारे में बताते हैं, तो आपको 36 मंथ का वेटिंग पीरियड वहाँ पर सर्व करना पड़ता है। कोई बीमारी है कंपनी अगर आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेती है, आपके जो प्रपोजल उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वहाँ पर 36 मंथ का वेटिंग पीरियड आपको निकालना पड़ सकता है। स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो स्लो ग्रोइंग होती हैं, जो आराम आराम से आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में ग्रो करती हैं, उस तरह की बीमारियों को कंपनी 24 महीने के बाद कवर करती है, वो इनिशियल आपको कवर करके नहीं देगी, उसके लिए मिनिमम आपको 24 महीने का वेट वहाँ पर करना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस को 90 दिन के बाद कवर कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी कंपनियाँ 90 दिन में इसको कवर नहीं करती हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी की अगर वेटिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, जहाँ पर बैरियाट्रिक सर्जरी कंपनी कवर कर रही है अप टू सम एश्योर्ड तक कवर कर रही है, वहाँ पर आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड भी वहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये चीज़
जो बैरियट्रिक सर्जरी है ये हर कंपनी कवर नहीं करती, लेकिन इस प्लान में कंपनी आपको कवर करके दे रही है। बात करें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक की वेटिंग की, तो यहाँ पर कंपनी 90 दिन का वेटिंग पीरियड लगाती है। 90 दिन के बाद पॉलिसी लेने के 90 दिन के बाद ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर कवर हो जाती हैं। मैटरनिटी की वेटिंग की बात करें तो कंपनी आपको इस प्लान में मैटरनिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर आप मैटरनिटी कवर लेते हैं, मैटरनिटी को एड ऑन आप ऐड करते हैं इस पॉलिसी के अंदर, तो फिर वहाँ पर आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड वहाँ पर निकालना होता है। अब दोस्तों जो चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, जो भी वेटिंग पीरियड हमने देखा अभी तक, जो भी बेनिफिट हमने अभी तक देखे, वो सारे जो बेनिफिट हैं वो इनबिल्ट है इस प्लान के अंदर। जब भी आप ये वाला प्लान परचेस करेंगे, आप इसका बेस प्लान परचेस करेंगे विदाउट एनी एड ऑन, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हो, जिससे आप अपनी पॉलिसी के बेनिफिट को इन्हेंस कर सकते हो, कुछ चीज़ों से आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हो। तो ये सारे एड ऑन कंपनी यहाँ पर आपको देती है, और एड ऑन के नाम पर कंपनी थोड़े बहुत एड ऑन नहीं दे रही है, आपको बहुत सारे एड ऑन यहाँ पर आपको दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपका इस पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं हम क्या क्या इसमें कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेरियट केयर की। तो दोस्तों अनलिमिटेड कवरेज फॉर वन क्लेम, ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको आज तक किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिला है। कंपनी आपसे ये कहती है कि ये एड ऑन जब भी आप ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आपको लाइफ में एक बार कंपनी एक ऑप्शन देती है कि आपको कितना भी बड़ा कवर हो, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, लेकिन आपका किसी क्लेम में खर्चा आया 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, तो कंपनी ये कहती है कि अगर आप ये वाला ऐड ऑन करते हैं, ये वाला ऐड ऑन अगर आप ऐड करते हैं, तो हम लाइफ में एक बार आपको बड़ा सम एश्योर्ड पे करेंगे अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ हम एक बार ही वहाँ पर आप पे करेंगे। और ये जो कवर है, ये कवर हमें पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर ही लेना पड़ता है। अगर आपने तीसरा रिन्यूअल कर लिया तो फिर इस कवर को आप नहीं ले पाएंगे और इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। नंबर 2 की बात करते हैं पावर बूस्टर। तो दोस्तों 100% बोनस पर ईयर, दोस्तों यहाँ पर जो बोनस मिलता है इनबिल्ट जो बोनस मिलता है वो मिलता है 20%, लेकिन अगर आप पावर बूस्टर के नाम से इस एड ऑन को ऐड कर लेते हैं तो 100% आपको ये मिलने लगता है। और वहाँ पर आपका अप टू 100% हो रहा था, मतलब 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 20% करके आपको 5 साल में वो 100% बढ़ जाएगा, तो आपका 10 की जगह 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ हर साल 100% बढ़ेगा, जो 20% वो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में ये 100% बढ़ेगा, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 10 साल में 1 करोड़ हो जाएगा अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेंगे, आप 50 लाख की पॉलिसी लेंगे तो ये 10 साल में 5 करोड़ हो जाएगा, 20 साल में 10 करोड़ हो जाएगा, और 30 साल में 15 करोड़ तक भी ये पहुंच जाएगा। तो कंपनी इस प्लान में ऑफर कर रही है ये चीज़ आपको कि आप क्लेम लें, आप क्लेम ना लें, आपको ये हर साल मिलता रहेगा और ये हमेशा आपका बढ़ता रहेगा, कभी यहाँ पर ये कम नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है इनका एड ऑन का, वह है जंप स्टार्ट का। दोस्तों अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी एंड PTC, ये आपका 90 दिन में कवर होते हैं, लेकिन अगर आप इस एड ऑन को जंप स्टार्ट पर ऐड कर लेते हैं तो फिर आपके 30 दिन होते ही ये सारी बीमारियां आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। इसके लिए कंपनी आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेगी और वहाँ पर सारी बीमारियां पर कवर कर देगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर मैटरनिटी की। तो दोस्तों मैटरनिटी भी इस प्लान में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, हमने इसको ऐड करके देखा लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, आपको अगर सूट करता हो तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर कवर कितना देगी कंपनी, कवर देगी कवर अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 10% ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो आपको 50,000 मिलेगा, अगर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो मैक्सिमम आपको 1 लाख मिलेगा। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है 50,000, 75,000 और 1 लाख, 1 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। चाहे 20 लाख का प्लान ले लो, आप 25 लाख का प्लान ले लो, 50 लाख का प्लान ले लो, तो मैक्सिमम मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा 50,000 5 लाख के सम एश्योर्ड पे, 7.5 पे 75,000 और 10 लाख पे 1 लाख रुपये। इस प्लान को ऐड करने के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो, आप ये भी ऐड कर सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी कवर में आप अगर ऐड करते हो तो 2x द सम एश्योर्ड ऑफ मैटरनिटी, जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा मैटरनिटी का आपके प्लान के हिसाब से, मान लीजिए 75,000 है, तो यहाँ पर आपको डबल मिलेगा न्यू बॉर्न बेबी के लिए। लेकिन वहीं अगर आपका 1 लाख है तो वहाँ पर भी आपको डबल मिलेगा, 2 लाख, ये मिलेगा आपको न्यू बॉर्न बेबी कवर के लिए। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी, जो वैक्सीनेशन होता है पहले साल में उसके लिए भी कंपनी आपको यहाँ पे करती है, ये भी एड ऑन आपको ऐड करना पड़ेगा। 1% ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड होगा उसको 1% आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम मिलेगा आपको 10,000 रुपये, 10,000 ही यहाँ पर आपको मिलेगा पहले साल में, जो बच्चे का जो वैक्सीनेशन होता है उसके लिए। अब पांचवा जो हमारा ऐड ऑन है वो है बीफिट। दोस्तों ये सारे ऐड ऑन आपको ऐड करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी इनबिल्ट नहीं है, ये सारे ऐड ऑन ऐड करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम भी यहाँ पर पे करना पड़ेगा।
बीफिट की बात करते हैं तो बीफिट यहाँ पर ओपीडी कवर है इनका, आप ओपीडी ले सकते हैं। ओपीडी में भी कई सारे प्लान हैं, तो अब जैसे ही जब भी आप प्लान चूज करेंगे वहाँ पर आपको प्लान मिल जाएंगे ओपीडी में, तो जो भी आपका प्लान सूट करता है वो आप वहाँ पर ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम वहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लेम प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी पॉलिसी में बहुत सारे नॉन मेडिकल चार्ज होते हैं जो आपको कंपनियाँ पे नहीं करती, लेकिन क्लेम प्रोटेक्टर यहाँ पर आप ऐड कर लेते हैं तो नॉन मेडिकल के जो चार्ज होते हैं वो भी कंपनी यहाँ पर आपको पे कर देती है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे जैसे इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती रहती है, अगर आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर ऐड कर लेते हैं तो फिर कंपनी इन्फ्लेशन के हिसाब से आप भी आपका सम अशोर्ड बढ़ाती रहती है। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस की अगर बात करें तो दोस्तों अप टू सम अशोर्ड डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला ऐड ऑन ऐड करना पड़ेगा और जितना भी आपका कवर होगा अप टू सम अशोर्ड कंपनी आपको एयर एम्बुलेंस वहाँ पर प्रोवाइड करेगी। कन्वलेसेंस बेनिफिट की बात करते हैं तो अप टू 20,000 कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है। जो भी ऐसे खर्चे जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद आप रिकवरी करते हैं लेकिन आप काम पे नहीं जा सकते, तो फाइनेंशियली कंपनी एक बेनिफिट आपको पे करती है 20,000 रुपीज़ तक का, तो वो इसको आप ऐड कर सकते हैं इस बेनिफिट को और वहाँ पर इस बेनिफिट को आप ले सकते हैं। तो 20,000 रुपये तक कंपनी आपको पे करती है अगर आप रिकवरी कर रहे हैं, डिस्चार्ज होने के बाद रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है तो कंपनी आपको 20,000 रुपये तक का बेनिफिट वहाँ पर देती है। अब दोस्तों बात करते हैं 10वें नंबर पर नर्सिंग एट होम। दोस्तों जब भी डिस्चार्ज आप होते हैं और उसके बाद अगर कोई क्वालिफाइड नर्स अपने पास रखते हैं तो वहाँ पर कंपनी आपको 2,000 रुपये पर डे पे करती है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10 डेज। 10 दिन तक के लिए कंपनी आपको वहाँ पर 2,000 रुपये पर डे वहाँ पर रखती है। हेल्थ चेकअप की बात करें तो कंपनी आपको हेल्थ चेकअप देती है 0.5% ऑफ सम अशोर्ड ऑफ टोटल सम अशोर्ड एंड मैक्सिमम अप टू 5,000 रुपीज़। तो मैक्सिमम आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 रुपये में आप टेस्ट करा सकते हैं या फिर इनके जो कुछ लिस्टेड टेस्ट होते हैं वो कराएंगे तो वो आपके कैशलेस बेसिस पे वहाँ पर हो जाएंगे। क्रिटिकल इलनेस की अगर बात करें तो क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर अप टू सम अशोर्ड कवर है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पर जो लिमिट है वो है 50 लाख। अगर आपकी पॉलिसी 1 करोड़ रुपये की है या 3 करोड़ रुपये की है तो फिर वहाँ पर भी आपको क्रिटिकल इलनेस के लिए 50 लाख रुपये का ही मैक्सिमम कवर मिलेगा और उसके लिए आपको एक क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट और भी है कि मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए एडल्ट की वो मैक्सिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 51 ईयर के हो गए तो फिर आप इस क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ये सिर्फ 50 साल तक के लोगों के लिए है। बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट की तो दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट भी यहाँ पर आपका कवर है। आप इस कवर को लेंगे तो अप टू सम अशोर्ड यहाँ पर भी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की है, तो 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप ले सकते हैं, लेकिन जो एज रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम 65 ईयर्स। जैसे यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस में 50 साल है, पर्सनल एक्सीडेंट के लिए 65 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स तक के लोग ही इसको ले पाएंगे। अगर आप 66 ईयर के हैं तो फिर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। वॉलंटरी कोपे की बात करते हैं तो दोस्तों पॉलिसी में आप कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं वॉलंटरी कोपेमेंट का तो कुछ प्रीमियम आपका वहाँ पर कम हो जाता है और क्लेम के टाइम पर जितना भी क्लेम आएगा उसका 10%, 20%, 30%, 40% या 50% शेयरिंग बेसिस पे ये आपका रेशियो रहेगा, बाकी कंपनी पे करेगी। ये करेंगे तो 90% कंपनी पे करेगी, 10% आप, ये करेंगे तो 70% कंपनी पे करेगी, 30% आप। कुछ प्रीमियम आपका कम हो जाएगा तो इतना परसेंट आपका शेयरिंग होगा वो रहेगा आपका, तो ये कोपेमेंट आप करेंगे बाकी कंपनी करेगी। डिपेंडेंट एकोमेंडेशन तो दोस्तों जो भी लोग आपके साथ हॉस्पिटल में रहते हैं, कोई एक व्यक्ति जो अपना काम धंधा छोड़ के आपके साथ हॉस्पिटल में रहता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन तो कंपनी उसका भी ध्यान रखती है और अगर आप ये वाला ऐड ऑन ऐड करते हैं तो 1,000 रुपये पर डे कंपनी उसको पे करेगी, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी वो रहेगी अप टू 10 डेज, 10 दिन तक कंपनी उसको मैक्सिमम वहाँ पर पे करने वाली है। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट तो दोस्तों अगर आप कोई ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट आप लेना चाहते हैं तो जब भी इस ऐड ऑन को आप ऐड करेंगे तो अप टू सम अशोर्ड आप उसको ले पाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 लाख, तो 5 लाख तक का ही इक्विपमेंट आप वहाँ पर परचेज कर पाएंगे, उसके लिए ही कंपनी आपको वहाँ पर पे करेगी। टेली कंसल्टेशन की बात करते हैं तो वो अवेलेबल है, अनलिमिटेड टाइम आप साल में कितनी बार भी टेली कंसल्टेशन वीडियो कॉल पर ऑडियो कॉल पर आप ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट वहाँ पर नहीं है। बात करते हैं रूम मॉडिफायर की दोस्तों इस पॉलिसी में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल होता है, आपको स्वीट रूम नहीं मिलता, आपको डिलक्स रूम नहीं मिलता, आपको सिंगल प्राइवेट रूम इस पॉलिसी में इनबिल्ट मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इस एड ऑन को ऐड करके आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एनी रूम कैटेगरी,
तो जैसे ही आप उसको अपग्रेड करेंगे तो एनी रूम कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, आप कोई भी रूम चूज कर सकते हैं, आप डिलक्स ले सकते हैं, आप उसमें स्वीट रूम ले सकते हैं, आपका प्रीमियम वहाँ पर बढ़ जाएगा। ट्विन शेयरिंग रूम, अगर आप सिंगल प्राइवेट रूम से ट्विन शेयरिंग रूम में डिक्रीज करेंगे तो फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप वहाँ पर सिंगल प्राइवेट रूम की जगह ट्विन शेयरिंग रूम वहाँ पर ले सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1% फॉर रूम, 2% फॉर ICU। तीसरा ऑप्शन आपको कंपनी ये भी देती है कि 1% आप रूम के लिए चार्ज करें, आप 1% आप रूम के लिए लें और 2% आप ICU के लिए लेते हैं, तो कंपनी आपका प्रीमियम थोड़ा सा और भी कम कर देती है। लेकिन ये सिर्फ 7.5 लाख रुपए तक की पॉलिसी के लिए है, अगर उससे ऊपर का सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो ये तीसरा वाला ऐड ऑन आप ऐड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पहला वाला या फिर दूसरा वाला इसी को यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, जब भी आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आप कौन कौन से डिस्काउंट इस पॉलिसी में अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिस्काउंट है वेलनेस प्रोग्राम। तो दोस्तों इस पॉलिसी में एक वेलनेस प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, अगर आप उस वेलनेस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और जो भी उनको टर्म एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो करते हैं तो अप टू 30% डिस्काउंट आपको रिन्यूअल पे वहाँ पर मिल सकता है। क्रेडिट स्कोर बेस्ड डिस्काउंट, दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपका पैन नंबर के थ्रू ये जो डिस्काउंट है ये भी आपको वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो ख़राब है तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी लोडिंग भी लग सकती है, तो ध्यान रहे अगर अच्छा सिविल स्कोर हो तभी आपको आगे देना है, तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये आपको ख़राब सिविल स्कोर पर नहीं लेना है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की, तो लॉन्ग टर्म डिस्काउंट वही है, अगर आप 2 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 3 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट पूरे प्रीमियम पे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2.5% आपको अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट मिल जाएगा, जब भी आप पॉलिसी को 30 दिन पहले रिन्यू कर लेंगे, 45 दिन पहले रिन्यू कर लेंगे तो फिर वहाँ पर आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। नेटवर्क एडवांटेज, दोस्तों इनका एक नेटवर्क है PPN नेटवर्क, इसको बोलते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। इस नेटवर्क में जाकर अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है आपके पूरे बिल पर, लेकिन अगर वो PPN में नहीं आएगा तो फिर आपको 20% का कोपेमेंट वहाँ पर देना पड़ सकता है। बात करते हैं वॉलंटरी कोपेमेंट डिस्काउंट की, तो ये मैंने आपको बताया 10%, 20%, 30% जो भी कोपेमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, ये आपको एड ऑन ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ऐड कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्फिनिट की। तो दोस्तों जब भी आप ICICI लोम्बार्ड की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर इस प्लान का ब्रोशर उठा के देंगे तो आपको इन्फिनिट बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है। सबसे पहले ही आपको इन्फिनिट नज़र आएगा, इन्फिनिट सम एश्योर्ड, इन्फिनिट क्लेम अमाउंट, इन्फिनिट नो क्लेम बोनस, इन्फिनिट रीसेट। तो कंपनी ऐसे प्रमोट कर रही है इसको जैसे मतलब सब कुछ कंपनी अनलिमिटेड दे रही, तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिट सम एश्योर्ड की। तो इन्फिनिट सम एश्योर्ड का मतलब है कंपनी आपको ऑफर कर रही है सम एश्योर्ड अनलिमिटेड, जहाँ आप और जो कंपनी है वो आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ का सम एश्योर्ड ऑफर करती है, जहाँ कंपनी आपको 1 करोड़, 3 करोड़ और फिर उसके बाद अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का ऑप्शन आपको ऑफर कर रही है, तो आप अपनी पॉलिसी में चाहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अनलिमिटेड सम एश्योर्ड तक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फिनिट क्लेम अमाउंट। तो दोस्तों कंपनी एक ऐसा ऑप्शन दे रही है एड ऑन में, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका इनबिल्ट है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका एड ऑन है। अगर आप ये वाला एड ऑन लेते हैं तो लाइफ में एक बार आपको कंपनी बड़ा क्लेम देने के लिए तैयार है, मतलब आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, 20 लाख की है, लेकिन अगर इस एड ऑन को आप ऐड करते हैं और आपका क्लेम कभी 80 लाख रुपए का आ गया, 50 लाख रुपए का आ गया, 60 लाख रुपए का आ गया, तो कंपनी एक बार लाइफ में एक बार वो क्लेम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन वो मिलेगा सिर्फ आपको एक बार। अगर आपने एक बार क्लेम ले लिया तो वो ऑप्शन आपका फिर खत्म हो जाएगा, दोबारा आप उसको नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए आपको इन्फिनिट क्लेम अमाउंट जो ऑप्शन है, जो एड ऑन है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इन्फिनिट नो क्लेम बोनस, तो दोस्तों नो क्लेम बोनस आपको मिलता है 20%, लेकिन जब भी आप इसको ऐड करते हैं तो वो 100% मिलता है और अनलिमिटेड टाइम मिलता रहेगा। 10 साल पॉलिसी चलेगी तो 10 लाख का आपका 1 करोड़ हो जाएगा, अगर 50 लाख की पॉलिसी तो 5 करोड़ हो जाएगा, ऐसे 10 करोड़ हो जाएगा, फिर 15 करोड़ हो जाएगा, तो ये बढ़ता रहेगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं, 100% सम एश्योर्ड आपको हर साल मिलता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इन्फिनिट रीसेट की। मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो बार बार आपकी पॉलिसी में रीसेट होता रहेगा, अनलिमिटेड टाइम रीसेट होता रहेगा, जितनी बार भी आप चाहेंगे, जितनी बार आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट होगा बार बार ये रीसेट आप उसे यूज करते रहेंगे, और ये भी आपका सेम बीमारी पर अवेलेबल है, किसी भी बीमारी पर जिस पर आप पहले क्लेम ले चुके हैं उसी पॉलिसी ईयर में आप इस क्लेम को, आप इस रीसेट वाले अमाउंट को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं जो इन्फिनिट के नाम से कंपनी अपने ब्रोशर में, अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर रही है कि अनलिमिटेड चीज़ें, हालांकि ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, ये सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्लेम अमाउंट
नोक्लेमोनस ये भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इनमें भी कहीं ना कहीं लिमिट होती है, लेकिन कंपनी यहाँ पर आपको अनलिमिटेड यहाँ पर दे रही है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं सपोर्ट की। तो दोस्तों सपोर्ट के लिए इनका टोल फ्री नंबर है 1800-2666। आपको कोई क्लेम डालना है, आपको कोई पॉलिसी में एंडोर्समेंट करानी है, आपको कोई पॉलिसी में और प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और आपको सारा सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। ईमेल आईडी की बात करते हैं, अगर आपको मेल करना है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ ईमेल करना है, या फिर बात हो गई है आपकी और कुछ कंपनी को डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, कुछ ईमेल करना है, तो फिर वहाँ पर ihealthcare@icslombard.com पे आप मेल कर सकते हैं और कंपनी से जो भी एंडोर्समेंट है, जो भी कम्युनिकेशन आपको हो रहा है, उसको आप करा सकते हैं। बात करते हैं वेबसाइट की, तो उनकी वेबसाइट है www.icslombard.com। कोई भी जानकारी आपको इस पॉलिसी के बारे में चाहिए, इसका ब्रोशर, इसके फॉर्म्स, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कंपनी के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.icslombard.com। सारी डिटेल आपको वहां पर मिलने वाली है, जो भी डिटेल आपको चाहिए सब कुछ आपको ICICI लोम्बार्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा।